ओटीटी पर मिर्जापुर वेब सीरीज का तीसरा सीजन लॉन्च हो चुका है। दूसरे सीजन में भौकाल काटने के बाद अंत में मुन्ना भैया की मौत हो गई थी, जिसके बाद फैंस तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे। मिर्जापुर के नाम पर बनी वेब सीरीज का जिले में बहुत कम शूटिंग हुआ है। दूसरे सीजन के अंत का सीन और तीसरे सीजन में कंट्रोल का सीन यहीं पर शूट हुआ है। तीसरे सीजन में भी लगभग 10 दिनों तक मिर्जापुर जिले में वेब सीरीज की शूटिंग चली थी। मिर्जापुर सीजन 2 के अंत में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। उनके साथ मुन्ना भैया और उनका पूरा परिवार मौजूद था। दाह संस्कार के बाद अखंडानंद त्रिपाठी मुन्ना भैया को कंट्रोल दे रहे होते हैं। उसी वक्त उन पर हमला हुआ था, जिसमें मुन्ना भैया की मौत हुई थी। इस सीन की शूटिंग मिर्जापुर जिले के इमलिया चट्टी पहाड़ पर हुआ था। यहीं पर अष्टभुजा माँ का मंदिर स्थित है। करीब 10 दिनों तक वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ पर चली थी। मिर्जापुर वेब सीरीज के तीसरे सीजन की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। चुनार में स्थित दो मुहिया मोड़ के पास यहीं पर गुड्डू भैया कंट्रोल लेने के लिए पहली बार मिर्जापुर आते हैं, जहाँ पर उनका सामना शरद शुक्ला से होता है। जिसके बाद गुड्डू भैया त्रिपाठी खानदान की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ते हुए तीसरे सीजन में दिखाई दे रहे हैं। चुनार के रहने वाले अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि करीब 5 से 6 दिनों तक यहां पर शूटिंग चला था, जिसमें गुड्डू भैया ब्लैक स्कॉर्पियो के काफिले से कंट्रोल लेने के बाद आते हैं और यहां पर उनका सामना शरद शुक्ला से होता है। मिर्जापुर वेब सीरीज के तीसरे सीजन में पंकज त्रिपाठी की एंट्री दिखाई गई है, जो कि यहीं पास में स्थित सिद्धनाथ दरी पर शूट किया गया है। मिर्जापुर में जो दूसरा वाला जो पार्ट मतलब दूसरा वाला जब आया था सीजन, उसमें यहाँ का मतलब जरगो डैम का दिखाया गया है। यहाँ पे जो है ये जगह है, यहाँ पे मुन्ना भैया जो थे और उनके पिताजी जो थे अखंडानंद, तो वो यहाँ पे पानी उनी मतलब पी रहे थे। उसी टाइम में उन लोगों ने अटैक किया तो फिर गोली वोली चली। वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो भी है मतलब ढकने उकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, गोली वोली चलाने के लिए मतलब सेफ रहे, इसकी वजह से फिर यहाँ पे अपना ये दिखाया गया है। इसमें किधर शूटिंग के लिए सामने के लिए नीचे से मतलब वो लोग आए थे चोरी से, इन लोगों को मतलब किसी तरीके से पता चला होगा जो उसमें दिखाया गया, यहीं से मतलब पीछे से आया गया था, यहीं पे ये लोग थे। कितने दिन तक शूटिंग चली थी लगभग? यहाँ पे लगभग शूटिंग के लिए लगभग 10 दिन के करीब, हफ्ता से 10 दिन करीब। 10 दिन यहाँ शूटिंग चली थी लगभग, हफ्ता से 10 दिन। कितने दिनों तक शूटिंग हुई थी? करीब 1 हफ्ता 10 दिन हुआ था यहाँ पर शूटिंग। और यहाँ पर जब वो उनके पिताजी कालीन भैया के पिताजी को जलाने आए थे दाह संस्कार करने, तो इसी समय गुड्डू भैया यहाँ पर आए हुए थे, चोरी से आए हुए थे, अटैक भी किए और गोलीबारी भी चली, जिसमें कि मुन्ना भैया को गोली भी लगी है। और आगे देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है।